हाय फ्रेंड्स, मैं सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। शाहरुख खान क्या अपसेट है जीरो से, उसके परफॉर्मेंस से, उसके रिस्पॉन्स से? कोई अगर ये सवाल पूछे मुझसे तो मेरे ख्याल से हाँ, शाहरुख खान अपसेट है। रीजन ये है कि दर्शक उस तरह से फिल्म को नहीं ले रहे जिस तरह से उन्होंने सोचा था। शाहरुख खान ने इसके पहले भी रावण बनाई थी, बहुत बड़ा बजट, 150 करोड़ उस समय के हिसाब से बहुत था। आई थिंक उस तरह से 100 करोड़ के ऊपर ही फिल्म थी, कितना एग्जैक्टली बजट था मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत महंगी फिल्म थी उस टाइम के हिसाब से। और इस समय वापस 200 करोड़ तक का बजट का लग गया, लगाया गया है, और फिल्म 105-110 या 115 करोड़ तक जाते हुए नजर आ रही लाइफ टाइम। 5 दिन लगभग हो गए हैं, 82-83 करोड़ का कलेक्शन आ जाएगा, 5 दिन में 100 करोड़ पार हो जाएंगे। लेकिन 200 करोड़ की फिल्म क्या बजट किसी भी तरह से रिकवर कर सकती है? आई डोंट थिंक सो। इट विल बी टर्म एज ए फ्लॉप फिल्म। फिल्म क्या बुरी है? नहीं, फिल्म बुरी नहीं, बट हाँ, आम जनता के लिए भी फिल्म नहीं है प्रॉपर तरीके से, आई एग्री। लेकिन मैं यहां पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं उन शाहरुख खान के फैन से जो ट्रोलिंग करते हैं, जो इसको उसको बहुत बुरा भला कहते हैं, जाके सपोर्ट करे फिल्म को, फिल्म को जाकर देखे। या जो ऐसे फैंस हैं जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, भैया जाके फिल्म को देखो, सपोर्ट करो। देखिए, ये मैं ट्रोलर्स की कहानी बता देता हूं, ये कैसे होते हैं, आप ही एग्री करोगे मुझसे। फिल्म आने वाली होती है, अरे बादशाह की फिल्म आ रही, शाहरुख खान की फिल्म आ रही है, हमारे किंग खान की फिल्म आ रही है, दिल खोल के हम तो सपोर्ट करेंगे। दिल खोल कर सपोर्ट करते जरूर है, बहुत सपोर्ट करते हैं, इवन कई सारे ऐसे फैन हो जाते हैं थिएटर में देखने। लेकिन फिल्म का अच्छा रिस्पांस जब नहीं आता है, यही फैंस या फिर यही ट्रोलर्स, मैं कहूंगा प्रॉपर फैंस नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रॉपर फैंस हमेशा फिल्म में देखते हैं चाहे जैसे भी हो, यही ट्रोलर्स गायब हो जाते हैं। ऐसा गायब होते कि ऐसा लगता ही नहीं कि इन्होंने कभी शाहरुख खान की फिल्म को प्रमोट किया था। भैया आपने थोड़ी दिन पहले ही तो किया था, आपने कुछ 3-4 महीनों से तो किया था, आप पागल हो गए थे फिल्म के लिए, लेकिन फिल्म का उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो आप गायब हो गए। हाँ, कहाँ, क्यों गायब हो गए? आपको रहना चाहिए ना, स्टार है वो, कभी हिट देता है, कभी फ्लॉप देता है, कभी हिट देता है। पॉसिबल ही नहीं कि हर कोई हिट दे दे हमेशा। इस साल आमिर खान का भी बुरा गया, सलमान खान का भी बुरा गया, मतलब क्या, एटलीस्ट फिल्म उतनी बेहतर चल नहीं पाई, मैं बोलेगा मतलब वो है, तो मतलब आप गायब हो जाओगे, ये गलत है ना। धमकी देने तो आप आते हो कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको आपके एरिया में आके मारेंगे। भाई मेरे एरिया में आ जाओ और आके फिल्म देखो, मैं यही कहूंगा, मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सपोर्ट करो किसी स्टार को तो पूरा दिलो जान से करो, वरना ना करो यार, ये दोगला तो भैया अच्छा नहीं है। और चलिए, मैं गुस्से में एक्चुअली नहीं हूं, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि जहां तक मुझे सुनने में आया है शाहरुख सर अपसेट है। मेहनत करता है कोई यार, और ये फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड थे शाहरुख खान, ये आपको भी पता है, मुझे ही पता है। 2 साल का, मेरे ख्याल से पूरा के पूरे 2 साल का डेडिकेशन है। वीएफएक्स फिल्म में कमाल है, थोड़ी अलग फिल्म बनाई, थोड़ी या काफी अलग फिल्म बनाई है, और कुछ नया देखने को अपने को मिला है। मैं नहीं जानता कि आम जनता क्या सोचती होगी, क्या देखती होगी, लेकिन यार जो समझदार जनता उसे फिल्म देखनी चाहिए। या फिर शाहरुख खान के फैंस, आमिर खान के फैंस, सलमान खान के फैंस, ये आपसी वॉर करके मतलब नहीं है, हैं? ये मूवी आ गई तो इसका पायरेटेड लिंक डाल देंगे, ये देखो आ गया पायरेटेड लिंक, देख लो यहां से, वहां से देख लो। चीपनेस की तो हद हो जाती है भैया, आप लोग इतनी चीपनेस करते हो। कुछ कुछ है जो ट्रोलर्स हेटर्स, याद है मुझे संजू फिल्म भी देख के आया था मैं, उसी दिन जब आया प्रिंट लिंक डाल दिए, मैंने डिलीट मारा कई सारे लिंक्स यूट्यूब से। जब भी कोई फिल्म के लिंक्स कोई डालता है ना मेरे यूट्यूब पे या फेसबुक जहां पर, मैं डिलीट मार देता हूं, मुझे जरा भी कतई पसंद नहीं है चीपनेस। फिल्म नहीं देखनी आपको, नहीं देखो ना यार, बुरा लगा तो ठीक है, बुरा बोल दो, बार बार क्या नाटक है आपका। हाँ, आम जनता ही आखिर डिसाइड करने वाली, राइट? तो यस, आई एम अपसेट टू। पिछले कुछ साल से बहुत अच्छी फिल्म नहीं दी है। He will return, I know.
14 फिल्म फेयर अवार्ड जीते राइट शाहरुख ने, अगर मैं गलत हूँ तो माफी चाहता हूँ। जितने दिलीप कुमार साहब ने फिल्म फेयर जीते हैं उतना ही शाहरुख खान ने भी जीते हैं, यानी कि आप उनके एक्टिंग को तो लेकर कुछ सवाल नहीं उठा सकते ना तो इस फिल्म में उठा सकते हो। लेकिन बुरा लगता है ना यार जब कटरीना ने अच्छा परफॉर्म किया, अपना बेस्ट दिया है कैरियर का, अनुष्का ने अपना बेस्ट दिया है, शाहरुख ने अपना बेस्ट दिया है, तो यार फिल्म नहीं चलती तकलीफ होती है। एटलीस्ट मुझे सबसे ज्यादा पता दुख क्या हो रहा है, या फिर मुझे या शाहरुख को भी दुख क्या होता होगा कि यार आपको नहीं पसंद है, आपने एक बार बुराई करे खत्म हो गया। लेकिन ये लेकिन कुछ हेटर्स ऐसे हैं जो बुराई करते जाते फिल्म को, ये वही सपोर्टर होते हैं, ये फिल्म रिलीज होने से पहले अरे शाहरुख 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 अरे शाहरुख की फिल्म अरे यार इतना कमाई उतना कमाई, यही हेटर्स थोड़ी दिन के बाद बुरा बोलने लगते हैं। यही कुछ क्रिटिक्स है चुनिंदा जो पलटी मारते हैं कि भैया अरे यार मैं को तो पहले से पता है फिल्म चलने वाली नहीं है यार, ये फिल्म ये कलेक्शन बरोबर नहीं है। अरे यार कौन से साइड में हो आप, या तो सपोर्ट करो या तो मत करो या तो न्यूट्रल रहो, आपका तो समझ में नहीं आता है कब कौन सी चाल चल दोगे, किसके सपोर्टर बन जाओगे, तो दिस आर नॉट गुड थिंग्स। सो फिल्मों को सपोर्ट करिए, किसी भी खान की हो, किसी भी स्टार की हो, किसी भी देवन की हो, किसी भी कपूर की हो, डू सपोर्ट ए गुड फिल्म, डू सपोर्ट बॉलीवुड फिल्म, डू सपोर्ट इंडियन फिल्म है, ठीक है। मेरे हिसाब से कुछ अलग है कुछ अनोखा है, एटलीस्ट फिल्मों को सपोर्ट करना तो बनता है। एंड होप आप लोग समझदार है और फिल्मों को देखिए, आपके पास वक्त है तो फिल्मों से हमेशा अच्छी चीज सीखने की सोचिए, ना कि गलत चीजें मेरे ख्याल से। एंड होप शाहरुख खान सर की आने वाली फिल्में बहुत बड़ी बड़ी हिट हो, क्यों सुनने में आया है शाहजहां से अच्छा, उसके बाद डॉन थ्री करने वाले और श्रीराम राघवन की जिन्होंने अंधाधुन बनाए थे उनकी भी शायद कोई एक फिल्म करने वाले। होप फॉर द बेस्ट फॉर शाहरुख, कीप सपोर्टिंग हिम एंड ही एक्चुअली नीड्स योर सपोर्ट, एटलीस्ट उन्हें टैग करके बोलो तो सही शाहरुख सर वी आर देयर विद यू।